वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये आप ओपन कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 7.13, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। यानी जब रोटेशन होता है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है। We have studied in section 7.7 the angular momentum of a system of particles। उसके बारे में हमने बात की, जिसको हम सिंबल J से भी दिखाते हैं, कैपिटल L से भी दिखा सकते हैं। यानी दोनों ही सिंबल्स एप्लीकेबल हैं। जब एंगुलर मोमेंटम को दिखाया जाता है, कभी तो हम दिखाते हैं J वेक्टर से और कभी हम इसको दिखाते हैं L वेक्टर से। जैसे P इक्वल टू एम भी होता है, वैसे एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा। वी ऑलरेडी नो फ्रॉम देयर दैट द टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क। जैसे एफ इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी, बिल्कुल इसी तरह से हमने सीखा है कि करस्पॉन्डिंग रोटेशनल क्वांटिटीज लगा दी जाए, तो टॉ इक्वल टू होता है डी जे भी लिख सकता हूँ मैं, डी एल भी लिख सकता हूँ, डी एल बाई डी टी, और एल की जगह आई ओमेगा। आई अगर कांस्टेंट है, आई बाहर आ जाएगा, ये बन जाता है आई अल्फा। जैसे एफ इक्वल टू एम ए। व्हेन द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। जैसे हमने पहले लीनियर मोशन में पढ़ा था, अगर ये जीरो है तो डी एल बाई डी टी जीरो। डी एल बाई डी टी जीरो का मतलब डी एल जीरो, और डी एल जीरो का मतलब एल इनिशियल या एल वन इक्वल टू एल टू, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। वी नाउ विश टू स्टडी द एंगुलर मोमेंटम इन द स्पेशल केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, समेशन ले लेंगे हम एक पार्टिकल का, पी आई आर आई क्रॉस पी आई, आई इक्वल टू वन टू एन, सारे पार्टिकल का एल हो गया। वी फर्स्ट कंसिडर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए टिपिकल पार्टिकल ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी। वी देन सम अप द कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू गेट एल ऑफ द होल बॉडी। फॉर ए टिपिकल पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात करें तो छोटे एल से देखा है बच्चों, वन नहीं है, क्या है, छोटा एल, स्मॉल एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, और ये सारे जो बोल्ड लेटर्स हैं वो सब वैक्टर्स हैं। एज सीन इन द लास्ट सेक्शन, R इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ सी प्लस सी पी, ये पोजिशन वैक्टर के टर्म्स में आप देख सकते हैं। विद P इक्वल टू एम वी, तो L हो गया ओ सी क्रॉस एम वी प्लस सी पी क्रॉस एम वी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल एट पी इज गिवन बाय वी इक्वल टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर, यानी आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, वेयर आर परपेंडिकुलर इज द लेंथ ऑफ सी पी और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप फिगर देख सकते हैं पुरानी वाली। फर्दर वी इज टेंजेंशियल एट पी टू द सर्कल विच द पार्टिकल डिस्क्राइब्स यूजिंग द राइट हैंड रूल। वन कैन चेक दैट सी पी क्रॉस वी इज पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस, और जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस चोजन एज द जेड एक्सिस। ये मिसप्रिंट है बच्चों यहाँ पे। हेंस सी पी क्रॉस एम वी आर परपेंडिकुलर। अब ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें, ये सारे सिंबल्स गड़बड़ गड़बड़ होके आ गए हैं, तो फिगर का रेफरेंस लेते हैं पहले हम। कौन सी फिगर है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये होनी चाहिए 7.13। जिसमें ओ भी रहेगा पी भी रहेगा, ठीक है 7.18 है, तो और पीछे चलते हैं। सेवन पॉइंट वन थ्री, वन थ्री नहीं है, तो फिर ये वही फिगर है। और यहां से डिटेल आप उठा सकते हैं, ये जो कि ये डिटेल देखने को मिल रही है हमको।
R1 R, ये रहा OCOP, तो यहां से हम डिटेल उठा सकते हैं उसकी एज इट इज। तो फिगर 7.17B के रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं। इसको देख लीजिए जरा, वापस चलते हैं वहीं पर। ये सब हम पढ़ चुके हैं। P इक्वल टू MV और मोमेंटम हमें चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। L इक्वल टू MV क्रॉस R, R भी आ जाता है उसमें। तो OC प्लस CP था, OC प्लस CP है ना, ये R जो है इस तरह से इंक्लाइनेशन में है। तो ये था बच्चों OC प्लस CP। O से लेकर C तक गए, ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएं, C से लेकर P तक गए, दोनों वेक्टर सेम ओरिएंटेशन में, तो बनेगा OP अपोजिट वेरिएंट ओरिएंटेशन में। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, OC क्रॉस MV प्लस CP क्रॉस MV। क्यों? क्योंकि सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी R क्रॉस P, ठीक है, L था छोटा L एक पार्टिकल के लिए, R क्रॉस P। अब R को हमने क्या लिखा, R को लिखा हमने OC जो कि वेक्टर है प्लस CP जो कि वेक्टर है क्रॉस P। अब P क्या है, P तो MV है जिसमें V वेक्टर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा और उससे ये टर्म आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी V ऑफ द पार्टिकल एट P इज गिवन बाय, ये हमें पता है यहाँ पे जो V होता है वो क्या होता है, V होता है ओमेगा इंटू आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जो आर है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज द लेंथ ऑफ सीपी, सी से लेकर पी तक की लेंथ, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्दर वी इज द टेंजेंशियल एट पी टू द पार्टिकल विच द पार्टिकल डिस्क्राइब्स। ये वी जो है टेंजेंशियल है, राइट हैंड रूल लगाया हमने, वन कैन चेक दैट सीपी क्रॉस वी, सीपी क्रॉस वी अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है बच्चों, सीपी और वी के बीच, तो इस पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस। सीपी क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लगाएंगे यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, सीपी को वी की तरफ घुमाया तो डायरेक्शन मिल रही है ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस के पैरेलल, तो वही लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू, ये राइट हैंड रूल से हमें पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस, दैट एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन मिलेगी। द यूनिट वेक्टर अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस चूजन एज जेड एक्सिस इज, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिसप्रिंट है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इट इज सिंपली आपका जाना पहचाना के कैप, जेड डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, के कैप। हेंस सीपी क्रॉस एमवी ये हो गया आर परपेंडिकुलर एमवी, के कैप डायरेक्शन हमने एसोसिएट कर दी, और फिर वी की जगह ओमेगा आर लिखे हम, ओमेगा आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, और ये जो मिसप्रिंट आपको दिख रहा है वो है के कैप। सिमिलरली वी कैन चेक दैट ओसी क्रॉस वी इज परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड एक्सिस, ओसी क्रॉस वी परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड एक्सिस, ओसी क्रॉस वी की डायरेक्शन अगर आप निकालेंगे तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आने वाली है, ठीक है, OC को V की तरफ घुमाया परपेंडिकुलर आएगी डायरेक्शन। लेट अस डिनोट द पार्ट ऑफ L अलोंग द एक्सिस, अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस दैट इज Z एक्सिस बाय IZ, IZ से अगर उसको दिखा दें हम, सॉरी LZ, एंगुलर मोमेंटम, I नहीं है, एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए,
जेड एक्सेस के अबाउट, एल जेड है तो एल जेड हो गया सीपी क्रॉस एमवी, ठीक है, ये अभी अभी लिखा था हमने। और आई इक्वल टू आई जेड प्लस ओसी क्रॉस एमवी, सीपी क्रॉस एमवी ये के कैप है और आई नहीं एल, एल इक्वल टू एल जेड, सिंबल ऐसा बनने की वजह से बार बार गलत पढ़ने में आ रहा है। तो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं एक तरह से, वी नोट दैट एल जेड इज पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस बट एल इज नॉट, क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है ओसी क्रॉस एमवी, ओसी क्रॉस एमवी, ये दो पार्ट हो गए ना इसके, जो हमें तो ये वाला आर लेना था ओपी, अब उसको हमने ब्रेक किया ऊपर, आप देख के आ रहे हैं ना ये ऊपर, ये दो पार्ट में हमने लिखा उसको एल इक्वल टू ओ सी क्रॉस एम वी। अब हमने क्या किया, सी पी क्रॉस एम वी की वैल्यू निकाल ली, वो ये आ गई, बाकी क्या बचा ओ सी क्रॉस एम वी, तो सी पी क्रॉस एम वी की जगह तो हमने रख दिया एल जेड और बाकी ओ सी क्रॉस एम वी बचा हुआ है। वी नोट दैट एल जेड इज पैरेलल टू द फिक्स्ड एक्सिस बट एल इज नॉट, इन जनरल फॉर ए पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम एल इज नॉट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नहीं होता है, दैट इज फॉर ए पार्टिकल एल एंड ओमेगा आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल, कंपेयर दिस विद द करस्पॉन्डिंग फैक्ट इन ट्रांसलेशन, फॉर ए पार्टिकल पी एंड वी आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, वहां ट्रांसलेशनल मोशन में पी और वी, जो वी की डायरेक्शन होती है बच्चों वही पी की डायरेक्शन होती है मोमेंटम की, पर यहां पर एल और ओमेगा जरूरी नहीं है पैरेलल हो, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, फॉर कंप्यूटिंग द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल रिजिड बॉडी वी एड अप द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, तो कैपिटल एल यानी सारे एंगुलर मोमेंटम का सम, सिग्मा एल आई जेड प्लस सिग्मा ओ सी आई क्रॉस एम आई वी आई, आप देखोगे एक टर्म जीरो होने वाली है यहाँ पे, वी डिनोट बाय एल परपेंडिकुलर एंड एल जेड, द कंपोनेंट्स ऑफ एल रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है वो कंपोनेंट, क्योंकि ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे ना, तो एंटी पैरेलल नहीं आ रहा, एंटी पैरेलल मैंने गलत बोल दिया था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस, तो एल परपेंडिकुलर जो है वो है सिग्मा ओ सी आई क्रॉस एम आई वी आई, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया था उसकी कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, वेयर एम आई एंड वी आई रेस्पेक्टिवली द मास एंड वेलोसिटी ऑफ आयथ पार्टिकल एंड सी आई इज द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, ये रहा ये पार्टिकल है, अभी पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, अकॉर्डिंगली उसका जो वेक्टर है ये वो चेंज हो जाएगा, कौन सा वाला वेक्टर C1 पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो एल जेड सिग्मा एल जेड सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर ओमेगा के कैप, तो एल जेड हो गया आई ओमेगा के कैप, ये प्रूफ हो गया इस डेरिवेशन का। तो एक था एल परपेंडिकुलर, एक था एल जेड, तो एल जेड की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, एल परपेंडिकुलर 7.44 ए में हमने बात की, 7.44 बी में आई ओमेगा के कैप आ गया, द लास्ट स्टेप फॉलो सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आयथ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस इज आर वन एंड बाय डेफिनेशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन आई इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर, नोट दैट एल जेड है एल जेड प्लस एल पर टोटल एल जो है वो एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर है, रिजिड बॉडीज व्हिच वी हैव मेनली कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर आर सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमने एसिमेट्रिकल बॉडी कोई भी नहीं लिया बच्चों, रिंग डिस्क स्फीयर वो सब क्या सिमेट्रिक है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वन ऑफ देयर सिमेट्रिक एक्सिस फॉर सच बॉडीज फॉर ए गिवन ओ सी आई, इसके इसको ध्यान में रखें ओ सी आई, फॉर एवरी पार्टिकल विच हैज अ वेलोसिटी वी आई देर इज
अनादर पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी माइनस वी आई। देखिए, समझ लीजिए बच्चों, आसान है वैसे तो। इस पार्टिकल की बात करें तो इधर इसकी वेलोसिटी, इसको मान लो वी आई, तो यहां जो पार्टिकल होगा बच्चों, उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने वाली है, तो वो माइनस वी आई होने वाली है। जो मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, जीरो होने वाली एक टर्म, तो माइनस वी आई होगी। लोकेटेड डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द सर्कल विद सेंटर सी आई डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, टुगेदर सच पेयर्स विल कंट्रीब्यूट जीरो टू एल परपेंडिकुलर। उसकी वजह से एल परपेंडिकुलर को जो इन सबका कंट्रीब्यूशन होगा ऐसे सभी पार्टिकल्स का, वो क्या होने वाला है बच्चों, जीरो होने वाला है। एंड एज अ रिजल्ट फॉर सिमेट्रिक बॉडीज एल परपेंडिकुलर इज जीरो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज एल परपेंडिकुलर इज जीरो एंड हेंस एल इक्वल टू एल जेड। इसीलिए जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो कौन सा हुआ, एक फिक्स्ड एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट हुआ, आई ओमेगा के कैप। और बॉडीज विच आर, ये जो मिसप्रिंट है के म्यू, ये के कैप है। और बॉडीज विच आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल इज नॉट इक्वल टू एल जेड। ये समझने की बात है ना, जो सिमेट्रिक बॉडीज नहीं होंगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वहां पर बच जाएगा कुछ ना कुछ कंपोनेंट, एंड हेंस क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा जैसे यहां कैंसिलेशन हुआ था, एंड हेंस एल डज नॉट लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेफरिंग टू टेबल 7.1, कैन यू टेल इन विच केसेस एल इक्वल टू एल जेड विल नॉट अप्लाई। तो टेबल 7.1 हमको देखनी है, उसको देखकर हम बात करते हैं यहाँ पे। टेबल 7.1 मैं समझता हूँ पहले निकल गई है ना, टेबल 7.1 ऊपर है। ये 7.2 है, ये 7.1 है। तो यहां पर गौर से देखें ऐसी कौन सी बॉडीज होंगी, अगर हम एक्सेस शिफ्ट कर दें यहां पर, जैसे रॉड के केस में एक्सेस शिफ्ट कर दें बीच में कहीं लें, तो पॉसिबिलिटी बनती है एक साइड और दूसरी साइड का कैंसिल नहीं होने की। बाकी सब बॉडीज तो सिमेट्रिक है, बाकी सब बॉडीज सिमेट्रिक है। एक ये रॉड देख रही है जिसमें अगर हमने एक्सेस शिफ्ट कर दिया, ना तो एंड के अबाउट लिया ना इधर लिया, तो एसिमेट्री वाली सिचुएशन आ सकती है। और बॉडीज विच आर नॉट सिमेट्रिक हमने बात की, तो टेबल 7.1, कैन यू टेल इन विच केस एल इक्वल टू एल जेड विल नॉट अप्लाई। लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 7.44b, सिंस k कैप इज ए फिक्स्ड कॉन्स्टेंट वैक्टर, वी गेट डी बाई डी टी ऑफ एल जेड इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा के कैप। नाउ इक्वेशन 7.28b स्टेट्स डी एल बाई डी टी जो टॉ के बराबर होता है, एज वी हैव सीन इन द लास्ट सेक्शन, ओनली दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल टॉक विच आर अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नीड टू बी टेकन, वही ले लें इंटू अकाउंट वेन वी डिस्कस रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। दिस मीन्स वी कैन टेक टॉ इक्वल टू टॉक के कैप सिंस एल इक्वल टू एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ एल जेड वैक्टर। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान दिला दो, सिमेट्री जैसे आप मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके भी एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी। केमिस्ट्री से लिंक कर सकते हैं, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक होता है खुद के स्पिन की वजह से, तो उससे आप लिंक करके इसको समझने की कोशिश करें। सो टॉ इक्वल टू टॉ के कैप, एल है एल जेड प्लस एल परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ एल जेड वैक्टर, के कैप इज फिक्स्ड, इट फॉलोज दैट फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस डी एल जेड बाई डी टी इज टॉ के कैप एंड डी एल परपेंडिकुलर बाई डी टी इज जीरो। दस फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड एक्सिस इज कॉन्स्टेंट as l z equal to i omega k cap, we get from equation 7.45 a d by dt i omega equal to tau। तो सीधे सीधे अगर बोला जाए मोटे तौर पर, तो हमने ये पूरी एक्सरसाइज करके क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया
टो इक्वल टू आई अल्फा या जो अभी मैंने पहले लिखा था, डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर, एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की चेंज होने की रेट जो है अप्लाइड टॉर्क के बराबर होती है। टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसी के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डज नॉट चेंज विद टाइम, अब ये कहाँ चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो एक्सिस चेंज करें तो हमने एक्सिस को फिक्स कर दिया है, मास चेंज हो जाए जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है उसमें मास चेंज होता है, या कोई कन्वेयर बेल्ट चल रही है उस पर मास गिर रहा है, कोयला गिर रहा है तो मास चेंज होता है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर नहीं है, आई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो आई कॉन्स्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी तो आई अल्फा के बराबर हो जाएगा। एंड वी गेट फ्रॉम इक्वेशन टॉ इक्वल टू आई अल्फा, वी हैव ऑलरेडी डिराइव दिस इक्वेशन यूजिंग द वर्क काइनेटिक एनर्जी रूट। ये एक और मेथड हो गया इसको डिराइव करने का, पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमें पढ़ना है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इतना ही, हैप्पी लर्निंग।